हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ उपासना। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक हॉल वीडियो लेके, जो कि आज वीकेंड है तो मैं अभी बाहर जाने वाली हूँ। तो कहाँ जा रही हूँ आगे देखिए, मेरी फ्रेंड भी आने वाली है ध्रुति दीदी, तो आके वो नीचे वेट कर रहे हैं, तो सोची कि मैं ब्लॉग यहीं पर स्टार्ट कर लूँ। तो चलिए आगे देखिए क्या होता है। तो ये देखिए, ध्रुति दीदी आ गए हैं, ऑटो बुक कर लिया हम लोग, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं। तो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं आगे बताऊंगी। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ना दबाए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिए। आगे भी बहुत सारे ब्लॉग आने वाली है न्यू, तो वो आप देख पाएंगे। तो अब मेरी हॉल वीडियो, मेरी ब्लॉग और मेरी जो वीडियो मैं डाल रही हूँ, आपको कैसी लग रही है एक लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छी लग रही होगी, आपकी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, हमारे पास में एक जूडियो की और शॉप थी, तो यहाँ पे ये एक छोटे से एक कम्प्लेक्स टाइप का है, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्राई की भी और शॉप आउटलेट मिल जाएगी, जूडियो की, वेस्टर्न साइड की, और यहाँ पे स्टार बाज़ार है जहाँ पे आप ग्रोसरी वगैरह भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक न्यू आउटलेट, मीन्स बहुत टाइम हो गया ये आउटलेट खुला हुआ है, जो कि मिंगूज करके। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज देख रहे थे, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हेयर क्लिप्स, यहाँ पे इससे कुछ कम्बो मिल रहा था, जो कि 199 के रूप कम्बो में मिल रही थी, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही ट्रेंडिंग थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे 199, 299 इस तरह की कुछ क्लिप्स भी बहुत ही सुंदर लग रही थी, 199 की क्लिप्स है ये। तो आगे देखिए क्या क्या मिलती है, और हम लोग जूडियो भी जाएंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे क्या क्या मिलता है। तो चलिए आगे देखिए और कैसे लगे ये हॉल वीडियो, एक लाइक एंड कमेंट करना, आपके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये जो शॉप में आई हूँ, ये कुंदनहल्ली के पास एक कॉम्प्लेक्स है, वहीं पे है। तो जो लोग बेंगलोर में हैं, तो उनको शॉप को देखते ही उनको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो इस तरह की कुछ ट्रेंडिंग चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे मिल रही थी। तो यहाँ पे स्क्रैप भी मिल गई थी, ऐसे पॉश भी मिल गई थी, पॉश सारे जो है 199, 299, 399 में मिल रही थी। यहाँ पे शॉपिंग बैग भी मिल रही थी इस तरह की, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग लग रही थी, कलर भी बहुत ही प्यारी लग रही थी, ट्रेंडिंग कलर थी। जब भी मीन्स आउटफिट के साथ मैचिंग करने के लिए कुछ आपको चाहिए तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे जूडियो से चीज़ें हैं एक्सपेंसिव आपको मिलेगी, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे एसेसरीज, जो कि वॉच, ये जो वॉच थी शायद 399 की थी, तो इस तरह की कुछ है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ जो प्राइस है। तो कुछ भूल रहे होगी, तो अब देख लेना प्राइस कितना है। यहाँ पे इस तरह की ट्रेंडिंग ब्रेसलेट भी मिल रही थी, सनग्लासेस भी मिल रही थी, और यहाँ पे शॉपिंग जो बैग होती है, इस तरह की ट्रेंडिंग शॉपिंग बैग भी मिल रही थी। तो बहुत ही एसेसरीज बहुत सुंदर मिल रही थी, यहाँ पे इस तरह की बैग्स भी मिल रही थी। और आगे देखिए क्या क्या होता है, और कुछ मैं दिखाऊंगी। तो आपको कौन सी वाली चीज़ अच्छी लग रही होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्वेलरी वर्क्स हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा ज्वेलरी वर्क्स हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप इस तरह की आपकी छोटी मिनिमल चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए आपकी जो नेकलेस वगैरह है, ये इयरिंग वगैरह है, रिंग वगैरह है, तब यहाँ आराम से इसको यहाँ पे रख सकते हैं, सेफली यहाँ पे रह जाएगा। और आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये पूरा इसे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह की कुछ है, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन कलर में, और यहाँ पे हेयर क्लिप्स है, यहाँ पे इस तरह की छोटी सी पॉश भी है, ये ट्रैवल पाउचेस है, मीन्स पॉश की तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो बहुत ही सुंदर लगी।
बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग यहाँ पे आके हैं नेल पॉलिश जो कि नेल पेंट के पास। तो यहाँ पे नेल पेंट जो है बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर की ग्लिटरी और नियॉन कलर की बहुत सारे इयररिंग नेल कप नेल बेल्ट यहाँ पे मिल रही थी। तो हम लोग कुछ कुछ ट्राई किए थे, तो ट्राई करते करते हम लोग पाँचों के पाँच और में भी लगा ली थी और मीन्स मेरे साथ जो दूसरी थी वो भी लगा लिए थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो वहाँ पर ट्राई करने के लिए ऐसे सैम्पल रखा हुआ था है, तो वही आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह की है, तो यहाँ पे वन पीस 199 का नेल पॉलिश हम लोगों को मिल रही थी। तो इस तरह की कुछ उसमें हम लोग को मिल रहा था तो हम लोग देख रहे थे। तो इसके बाद हम लोग जूडियो जाएंगे, जूडियो में किस तरह की चीज़ें क्या मिलती है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मिम्बोस की प्राइस के हिसाब से जूडियो की प्राइस कितना क्या है मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप बताना कैसे आपको कौन सा वाला अच्छी लग रही है और कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आगे के देखिए। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आगे जूडियो में, तो जूडियो में यहाँ पे आपको कॉम्बो में लिपस्टिक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये नीचे देखिए लिप स्क्रब एंड लिप बाम विथ लिपस्टिक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह के फोर के कॉम्बिनेशन में आपको जो नेल पेंट मिल जाएगी जो कि 199 में है। तो लिपस्टिक का कॉम्बो भी वही 199 में है। तो इस तरह की कुछ कुछ थी जो कि बहुत ही मीन्स कॉम्बो में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाए यही है जूडियो में। तो ये भी लिप बाम जो होती है तो इस तरह की है जो कि 49 रुपीस की थी जो कि बहुत ही कम प्राइस है एज़ कम्पेयर टू निम्बोस। तो इस तरह के काजल और मीन्स आई लाइनर इस तरह की कुछ कुछ है जो कि बहुत ही सस्ती थी 79 इस तरह की कुछ है जो कि बहुत ही सस्ती थी निम्बोस के हिसाब से। तो यहाँ पर कलरफुल लाइनर भी मिल जाएगी आपको। तो इस तरह की है, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं उनके सारे जो प्राइस वगैरह यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं क्लॉथ सेक्शन में। तो इस तरह की टी शर्ट भी हम मिल रही थी जो कि क्रॉप टी शर्ट और रेगुलर टी शर्ट भी मिल रही थी जो कि 199 299 399 499 में मिल रही थी। तो इस तरह की ट्रेंडिंग ड्रेसेस मिल रही थी। तो ऑफिस वेयर कैजुअल वेयर ऐसे और कॉलेज गोइंग अंकल्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो ऑफिस के लिए तो बहुत ही सुंदर सुंदर फॉर्मल यहाँ पे मिल रही थी। तो कैजुअल वेयर भी मिल रही थी, तो मैं भी कुछ कुछ देखी यहाँ से। तो आपको कैसी लग रही है ये ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह की कुछ कलेक्शन आई थी जूडियो में जो कि पिंक में बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस आई थी। तो इस तरह की कुछ है, तो हम लोग इस तरह की कुछ कुछ ड्रेस देख रहे थे। तो आपको बताना आपको कौन सी वाली ड्रेस अच्छी लग रही होगी। तो इस तरह की कुछ है, बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस है, ट्रेंडिंग ड्रेस है। तो आप बाहर जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ सकते हैं, जूडियो से ले सकते हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जो कि मीन्स 1000 रुपीज़ में आप कलेक्शन बहुत सारे कलेक्शन देख सकते हैं। 1000 रुपीज़ के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। तो इस तरह की मीन्स हॉट पैंट भी आपको मिल जाएगी जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो कम्फर्टेबल होती है, मीन्स बाहर आप ट्रैवल करेंगे तो इस तरह की ड्रेसेस पहनेंगे तो बहुत ही कम्फर्टेबल होती है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आती है इस तरह की ड्रेसेस। तो इस तरह की कुछ टी शर्ट हम लोग देख रहे थे, टी शर्ट यहाँ पर 199 में मिल गई थी। तो इस तरह की कुछ आपको पार्टी वेयर भी मिल जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो ये देखिए, और जूडियो भी आप आ सकते हैं। तो ये जो लोकेशन पिंग कर दूँगी, अगर कोई लोग यहाँ पे नए मीन्स बैंगलोर में उनको लोकेशन पता नहीं है तो मैं पिंग कर दूँगी, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ कुछ हम लोग देख रहे थे जूडियो में, तो कुछ कुछ परचेज भी किए हैं।
तो इस तरह की है। तो चलिए आगे आगे क्या होता है दिखाती हूँ। तो शू भी हम लोग देख रहे थे, शू यहाँ पे 199, 299, 399 और 599 इस तरह की कुछ थी, जो कि प्राइस के रेंज के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग शू आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे कुछ शू देख रही थी कौन सी वाली एक लूँ, तो इस तरह की कुछ है। तो यहाँ पे मैं दो शू यहाँ पे देखे हूँ, एक स्लीपर की जैसी एक सैंडल की जैसी, लेकिन मेरी साइज़ के हिसाब से ये मुझे नहीं मिली, थोड़ी सी टाइट हो रही थी, थोड़ी सी 36 की मैं देख रही थी, 37 की चाहिए, लेकिन अभी आउट ऑफ स्टॉक थी। उसी डिज़ाइन को देखते हैं, नेक्स्ट कभी आऊँगी तो इस तरह की शू देखूँगी। तो इस तरह की है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बिलिंग के सेक्शन में। तो यहाँ पे बिलिंग के सेक्शन में आपको इस तरह की वाइप्स मिल जाएगी, सन वाइप्स, सनस्क्रीन वाइप्स, इस तरह की वाइट टाइप्स और कुछ कुछ एक्सेसरीज यहाँ पे साइड बाई साइड रखा होता है, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मीन्स कम प्राइस में, मीन्स 100 रुपीज़ के अंदर आपको इस सारे चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे आगे क्या होता है, बिलिंग के बाद हम लोग क्या क्या करेंगे वो भी आपको शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून, स्टे कंटिन्यूस इन ब्लॉग। तो बिलिंग के सेक्शन के बाद हम लोग बाहर आ गए थे। तो बाहर आने के बाद यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था जो कि किड्स के लिए, तो यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारे मिल रही थी और यहाँ पे देखिए टॉय वगैरह मिल रही थी और बहुत सारी चीज़ें जैसे पान की मसाला भी मिल रही थी, तो इस तरह कुछ कुछ देखे हम लोग। तो उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे, अभी मीन्स लेट हो गई थी, तो हम लोग थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो हम लोग क्या खाएँगे देखेंगे। तो देखिए बहुत ट्रैफिक हो गई है अभी, क्योंकि ये अर्ली इवनिंग हो गई थी, तो अभी इस टाइम ट्रैफिक ज़्यादा होती है। तो देखिए हम लोग आगे आके क्या करते हैं, और अभी भूख लग रही थी तो हम लोग थोड़ी सी से मोमो खा लिए। तो मोमो में बहुत टाइम के बाद अराउंड 1.5 के बाद मोमो खा रही हूँ। आपको ये वाली ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर करना फ्रेंड के साथ और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।